सो थैंक यू वेरी मच फॉर द स्टैंडिंग ओवेशन. और वो आपने हमें दिया इसलिए क्योंकि पेपर हर बार की तरह इस बार भी 100% जैसा इम्पोर्टेंट सीरीज से बताया गया था वैसा ही आया है. ठीक है, और ऐसा हर अटेम्प्ट में होता है, हर बार होता है. इट्स नॉट ए न्यू फेनोमेना. ठीक है, आपके भी मई 20 के साथ ऐसे ही होगा. आओ शुरुआत करते हैं अपन. पहले तो कमेंट देखें अपन हमारे चैनल पे बच्चों ने क्या कमेंट दिए हैं. पहला कमेंट आ रहा है शुभम चतुर्वेदी से. ठीक है, आप तो सीधा कमेंट सेक्शन में चले जाए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ. ठीक है, पहला शुभम चतुर्वेदी का कमेंट है, हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. आई वेंट थ्रू योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एंड ऑल दैट यू टोल्ड केम इन एग्जाम. अगेन थैंक्स अ लॉट सर. ठीक है, ढूंढ लेना आप इसमें, मैं बताता जाता हूँ. मेरे पास ये समरी है. ठीक है ना, मेरे पास एक YT स्टूडियो है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ ताकि वो समरी मेरे पास आ जा रही, तो एक एक वीडियो पे जाना पड़ेगा. सेकेंड सनमुखा KS से आया है, थैंक यू सर. तीसरा आया है एंड्रियन मैचनिडो से, सर फुल पेपर केम फ्रॉम इम्पॉर्टेंट सीरीज, थैंक यू सर, ग्रेट हेल्प. ये सारे हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं. ठीक है, बाकी अपने जो फेस टू फेस वाले वो तो सभी एग्जाम में जा रहे हैं, तो वो मैंने उनको मना किया, मैंने तुम मत आओ, 20 तारीख को एक बार एग्जाम दे दो अपना एडवांस अकाउंट का, उसके बाद ही अपने कमेंट वमेंट डालना. अब बच्चे हैं कि कई बार चीज़ें जब लग जाती है ना तो फिर रुकते नहीं हैं. मैंने हालांकि सभी को कहा था 20 के बाद बात करेंगे अपन इसके ऊपर, पर कई बार अपने को लगता है कि नहीं अभी नहीं किया तो फिर क्या मजा, समय पर कर लेना चाहिए. नेक्स्ट एक और है सीमा गुप्ता का, यू आर नॉट लेस देन गॉड, इफ आई एम क्लियरिंग दिस एग्जाम देन इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच. एक है शुभम पथारे का, थैंक यू सर, वेरी हेल्पफुल. सिमर गमेर, लाइक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यू गेव अस ऑल द क्वेश्चंस एंड इट केम इन फ्रॉम योर पेपर ओनली. सीमा वार्षने, सर इकोनॉमिक्स के लिए भी कुछ हेल्प हो जाएगी क्या? मतलब देखो अब डिमांड बढ़ गई है कि सर आपने कर दी तो इकोनॉमिक्स की कर दो, एडवांस अकाउंट की भी कर दो. ओनली जस्ट आस्किंग, नॉट बाउंड टू यू, है ना. उसने अपनी तरफ से कहा है कि सर ये भी कर दो तो थोड़ा बढ़िया रहेगा हमारे लिए. उसके बाद आया ऋषभ साहू से, सर मनी लॉन्ड्रिंग सच में हॉट टॉपिक था, एज यू सेड दिस टाइम इट विल कम एंड यस इट केम. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, इंट्रूजन, सर सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आए, थैंक्स सर. वरुण सिंगला, थैंक यू बत्रा सर फॉर योर गाइडेंस, योर MCQ बेस्ड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ स्टडीज रियली हेल्प्ड अ लॉट, पेपर हैड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट सर, आई विल गिव योर रेफरेंस टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो देखो अच्छा रहा तो ये ब्रांड गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बन गया अपना, अपन पढ़ा करते थे. अगर यू सेटिस्फाई यूर कस्टमर्स, हालांकि स्टूडेंट कस्टमर नहीं होते हैं, पर अपन बात करें मैनेजमेंट की क्योंकि अपना टॉपिक होता है, तो फिर बताओ आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ती है क्या? आप एक्सेल अकेडमी का कोई ऐड देखते हो क्या? कभी कभी नहीं देखा होगा, जब से हमने बनाया एक्सेल को तब से. हम अच्छा पढ़ा देते हैं और हमारी अपेक्षा रहती है बच्चे हमारे हिसाब से परफॉर्म कर जाएं. आप ही हमारे गुडविल एम्बेसडर हो, आप ही अपने जूनियर्स को कहते पाए जाओगे वहीं जाना चाहिए. ठीक है, और यही हो रहा है. बताओ आपको किसी ने कहा था एक्सेल अकेडमी पर आना चाहिए फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप के लिए? किसी ने कहा आपको? आप सुन के ही आए ना अपने सारे सीनियर्स से. तो अगर आप अपने स्टूडेंट को सेटिस्फाई करेंगे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है थ्रू आउट इंडिया. ठीक है ना. नेक्स्ट मनीष केडिया, सर रियली इट हेल्प्ड ए लॉट इन एग्जामिनेशन, आई हैव स्टडी ओनली योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एबल टू अटेम्प्ट 95 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, ग्रेट सल्यूट टू यू. मतलब ये तो पढ़ के ही नहीं गया, अपना इंपॉर्टेंट ही करके चला गया. कल को सपोज करो उल्टा होता तो ये कमेंट क्या होते? मैं तो आपके ही करके गया, मरवा दिया आपने मेरे को. ठीक है, ऐसा होगा नहीं कभी, चिंता मत करो. नेक्स्ट आदर्श बोथरा, थैंक यू सर, आई फील इट वॉज 100% कॉमन टॉपिक, ऑल माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो वेरी डिलाइटेड सीइंग द क्वेश्चन पेपर, थैंक यू अगेन सर. नेक्स्ट राजा शेखर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन इन द टूडेज एग्जाम आर फ्रॉम योर लिस्ट सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच. आपके इंपॉर्टेंट लिस्ट में मेरा एग्जाम अच्छे से हो जाएगा पक्का. ITSM ओल्ड कोर्स की बात हो रही है ना, आपने अभी तक जितने कमेंट देखे वो न्यू कोर्स के बारे में थे, अभी ये ओल्ड कोर्स वाला बच्चा कह रहा है उनके भी इंपॉर्टेंट सीरीज डाली थी. ITSM पेपर क्लियर हो जाएगा सर मेरा. अच्छा ये पता है कि आपको इस समय जो ITSM के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो कोई फ्रेशर्स नहीं है. ITSM मतलब क्या? ओल्ड कोर्स.
कब बंद हो गया ये? 2017 में, 2017 से का कौन सा कोर्स चल रहा है? न्यू कोर्स अभी कौन सा है? 2019 कितने अटेम्प्ट हो गए? चार हो गए। अभी बच्चा कह रहा है सर इस बार मेरा क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? वो रिपीटर है बच्चा, और इस बार उसको होप है कि सर इससे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रथमेश थोम्बारा, थैंक यू वेरी मच सर, आई एम गोइंग टू पास ASM SM ओनली बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट आशीष गुजराल, यू आर ग्रेटेस्ट और बेस्टेस्ट सर। नेक्स्ट आशीष गुजराल, एक और कमेंट दिया, दो अलग अलग पे, मतलब ये इसकी अलग सीरीज पे दिया है और ITSM के अलग सीरीज पे दिया है। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, आपको प्रणाम है, एग्ज़ाम देख के आया हूँ सर, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बताए हुए आए सारे सर, मुझको बहुत डर लग रहा था ASM में, ये सारे टॉपिक पढ़े थे अच्छे से सर, 55+ पक्का स्कोर करूँगा, थैंक यू वेरी मच सर। मतलब आप देखो केवल यूट्यूब से जुड़ा हुआ है और कह रहा है 55+ करूँगा, तो मैं आपसे होप करूँ 60+ करोगे जो इस क्लास में फेस टू फेस बैठे हो एटलीस्ट। अगर हमारे यूट्यूब का बच्चा ये कहता है 55+ करूँगा, तो आपसे तो अपेक्षा है 60+ करोगे, है ना? इससे कम में कोई दिखा तो कमरे में बंद कर दूंगा, ध्यान रखना, हाँ ये भी शर्त है साथ में, बंद कर दूंगा कमरे में, 60 से कम लाए तो साहब कमरे में बंद है, फिर फेस टू फेस वाले ज़्यादा लड़ने चाहिए हमारे, उनको तो एक डिसएडवांटेज है कि वो शायद हमारे सामने नहीं है तो वो एक नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ जो बच्चा है वो तो ज़्यादा करे, सो डोंट प्रूव मी रॉन्ग, ठीक है? ऐसे कमेंट देखना है मुझे मे बी इसमें आपसे। नेक्स्ट एलेक्स, यस सर द टॉपिक्स विच यू टोल्ड टू स्टडी केम इन एग्जाम, थैंक यू सर। नेक्स्ट एलेक्स का एक और, दो अलग अलग, मतलब ASM ITSM जो हमारे अलग अलग गए थे उस पर दोनों पे इसने कमेंट किया है। आई डोंट नो सर वाई 4.5K व्यूज आर देयर ऑन दिस वीडियो, मतलब इसको केवल 4.5K, मतलब 4,500 लोगों ने ही क्यों इस पर व्यू किया है। थैंक यू सो मच सर, टुडे मोस्ट ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू गेव, मतलब इस पर व्यू ज़्यादा होना चाहिए था। नेक्स्ट किशोर शर्मा, इवन MCQ में भी उसी टॉपिक में से आए जिसमें आपने बताया, थैंक्स। किशोर शर्मा का एक और, सर थैंक्स, आपके वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन रीड किए थे एंड सब आए, थैंक यू सो मच सर। मैड ने बी नाम भी बड़े कुछ भी रख लेते बच्चे, थैंक यू सर, योर ईच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज इन द एग्जाम सर। नेक्स्ट सीमा वार्ष ने, सर थैंक्स, सारा पेपर आपके बताए हुए में से आया, वो लोग कितने लकी हैं जो फेस टू फेस पढ़ते हैं आपसे, मतलब आपके लिए बात हो गई है भाई, ठीक है? ये बच्ची कह रही है कि वो कितने लकी होंगे, तो आप कम से कम भाग्यशाली लोगों में हो गए, बट कोई नहीं सर, थैंक्स, इतनी भी हेल्प काफ़ी है, बट आपका बताया सारा लिख लिख के देख लेती थी और अच्छे से हो जाता था, थैंक्स सीमा। DSR एंटरप्राइजेज फर्म का नाम लिखा है इसने, सर एड आता है बीच में, बहुत डिस्टर्ब करता है, हटा दीजिए, मैंने लिखा, मैं गूगल को कहूँगा इसमें से हटा लें। नेक्स्ट ABD Villiers, अच्छा ABD Villiers भी अपने इसमें, स्टूडेंट ने नाम रख दिया होगा अपना, ABD Villiers क्रिकेट का फैन है। एक्सपीरियंस बोल रहा है सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है कल के लिए, ये एग्जाम से पहले उसने लिखा था, मतलब एग्जाम से पहले लिखा था, उसने कहा कि एक्सपीरियंस आ रहा है मुझे आपके वीडियो देख के। अहमद सिद्दीकी, सर अभी किसी टीचर का नाम ले रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, सर आप डैश डैश को क्यों नहीं कहते हैं कि वो रट्टाफिकेशन करवाया करते हैं, डांस और म्यूजिक चलाते हैं, आप जैसा क्यों नहीं पढ़ाते? मैं किसी को क्या कह सकता हूँ, मैं किसी को क्या कह सकता हूँ, हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है, हर एक अपने अपने तरीके से पढ़ाता है। अरे आप डांस से किसी को याद हो जाते तो अपने उसमें क्या प्रॉब्लम है, अपने को बच्चे को याद होना चाहिए कुल मिला के। एलेक्स थैंक यू सर। हर्षित जिंदल, सर प्लीज़ टेल सिनेरियो एनालिसिस, अब ये पुराने आ गए हमारे, तो ये कुछ एक वीडियो के आपको बताया मैंने, मेरे ख्याल से 15-20 थे, ये उन बच्चों ने कमेंट कर दिए हैं जो अपने आप को रोक नहीं पाए, वैसे कमेंट 20 के बाद आएंगे अपने पास में, ठीक है? तो ये तो कुछ कमेंट थे जो मैंने आपके सामने रखे और कुछ शेयर भी किए थे मैंने ग्रुप में आपके लिए, ठीक है? तो अब पेपर देख लिया जाए, एटलीस्ट आपको भी पता चले कि आपको जो कहा था वैसा आया या नहीं आया, ठीक है? तो हम एनालिसिस शुरू कर रहे हैं, November 19 पेपर EISSM, तो ये रहा सबसे पहला पेपर का सवाल आपके सामने, इनिशियल स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो उसमें page number 2 से page number 1 पे सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, मेरे ख्याल से आप देख के आए हो तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बार बार बताया हुआ है ना, ए पोर्शन इसके लिए होता है, बी पोर्शन इसके लिए होता है, MCQ बुक यूँ होती है, यूँ होती है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा है, वो आपने देख लिया ऑलरेडी। शुरुआत करता हूँ मैं सीधा पहले सवाल से। अच्छा, जो लोग हमारी क्लास में नए बैठे हैं उनको
ये जानना है पुराने जितने बैठे हैं, एटलीस्ट चैप्टर पता है कि नहीं पता है? पेज नंबर तो अभी अपन तुरंत ढूंढ लेंगे सब लोग। अब मुझे बताएंगे जो पुराने लोग बच्चे बैठे हैं, सबसे पहला सवाल, डिस्क्राइब एनी थ्री की फंक्शंस ऑफ आरबीआई। पहले तो बताओ चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 5 कोर बैंकिंग से ही है। अब पेज नंबर भी आप ढूंढो, मैं नहीं ढूंढूंगा। मुझे बताओ कौन से पेज नंबर से आया है आपके नोट्स में से? अच्छा, बुक नहीं लाए क्या? आज लानी थी ना भाई, आज पेपर एनालिसिस करूंगा, मैंने बताया था आपको, मैंने कहा था नेक्स्ट डे आते ही पेपर एनालिसिस होगा, मैंने बोला था। कैटेगरी वही है पर बोला था, ये पक्की बात है। ठीक है, चलो आप सब लोग पेपर पे लिखते जाओ, घर पे जाके चेक करना। ये मेरा तरीका रहता है, जिस दिन पेपर खत्म होता है नेक्स्ट डे हाथ में आते ही डिस्कशन होता है मेरे यहाँ, तय है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है ना, तो पेज नंबर लिख लो, घर पे जाके वेरीफाई कर लेना आप लोग। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरी शर्त है पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में वो 30 नंबर आपके पूरे कोर्स पढ़ने से आएंगे, ऐसे नहीं आएगा। मैं बिना तैयारी के किसी स्टूडेंट को लड़ाई के मैदान में भेजता ही नहीं हूँ, मेरी आदत में नहीं है। आपके पास चॉइस होनी चाहिए, एग्जामिनर के पास चॉइस नहीं छोड़ता मैं। पेपर 120 नंबर का आएगा, 100 कौन से करना है वो आपकी चॉइस होगी, एग्जामिनर की चॉइस नहीं होती हमारे स्टूडेंट के पास। ठीक है ना, आपकी चॉइस होगी। लिखो भाई, फर्स्ट ए जो दिख रहा है ना आपको सवाल, ये आरबीआई वाला फर्स्ट ए, 2-3 नंबर का सवाल है, ये पेज नंबर 235 से आया है, पेज नंबर 235 से आया है ये। पेज नंबर 235 से आया हुआ है ये सवाल, की फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, मैं साथ साथ भी पढ़िए, नोट्स नए वाले आ जाके ले लेना भाई, सारे लोग है ना, जाके तरुण जी से ले लेना। मैं तीन फंक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही है, नई बात नहीं है आपके लिए। तीन फंक्शन बताए थे हमने, मॉनेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी सिस्टम ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इश्यूअर ऑफ द करेंसी। याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है ना, होता आज तो अपन आराम से और डिस्कस कर लेते, पर आज घर जाके देख लेना सारे लोग, तीन नंबर का सवाल। अच्छा, एक आप और करना है आपको, हमारा वीडियो पढ़ा है ठीक है, उसमें से मार्क करके आना, इसमें से ये इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था या नहीं करवाया था, है ना। ऐसा नहीं बच्चों ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, तुम क्यों मानो, तुम उस वीडियो को देखना और फिर मुझे बताना ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था एग्जाम के लिए कि नहीं करवाया था, ताकि तुम्हें भी पता चले कितने सवाल उसमें से आए। ठीक है, अगला सवाल बी पार्ट, हाउ द इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व्ड इन बीपीए कैन बी क्लासिफाइड, डिस्कस एनी फोर। बीपीए वाला कौन सा चैप्टर है भाई? चैप्टर नंबर बीपीए ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस 1 से सवाल है। लिखो, पेज नंबर 10 पे है, पहले चैप्टर से 2 नंबर का सवाल। ठीक है, इसी नोट्स में से पढ़ रहा हूं मैं, यही सबके पास है और बाकी जिनके पास है वो आज मिल जाएंगे आपको। ये देखो एग्जैक्टली यही आया हुआ है, हाउ द इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व्ड इन बीपीए कैन बी क्लासिफाइड, मैं इसी में से पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 10 पे, रिस्क ऑफ बीपीए डिस्कस कर रहे हैं अपन। क्या रिस्क है? द रिस्क आर क्लासिफाइड एज, ध्यान आ रहा है आपको, इनपुट एंड एक्सेस, फाइल एंड डेटा ट्रांसमिशन, प्रोसेसिंग, आउटपुट, डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, 6 बताए थे नहीं बताए थे मैंने, सवाल आ गया, ये इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ था अपन ने, मतलब सारे इंपॉर्टेंट मार्क कराए वही आए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2A, क्या कहता है, बिजनेस प्रोसेसेस आर डॉक्यूमेंटेड ऑब्लिक डिजाइंड यूजिंग फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन वर्चुअलाइज फॉर्म, बीइंग ए बिजनेस एडवाइजर व्हाट एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट विल यू सजेस्ट टू रिप्रेजेंट द बिजनेस प्रोसेस इन डायग्रामेटिकल फॉर्म। मैंने कहा था फ्लो चार्ट पे सवाल जरूर आएगा, अब इसमें बनाना नहीं पूछा, उसके एडवांटेज पूछ ली, आया तो सही ना फ्लो चार्ट से सवाल, एडवांटेज मैंने मार्क करवाया था इंपॉर्टेंट में। चैप्टर नंबर 1 से सवाल है, पेज नंबर 16 पे लिखो, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट मैंने पढ़ा दिए थे आपको, एडवांटेजेस 9 एडवांटेजेस बताए थे मैंने, कौन से, क्विकर ग्रास्पिंग और रिलेशनशिप, इफेक्टिव एनालिसिस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एफिशिएंट कोडिंग, बताए थे नहीं बताए थे, सारे आ गए, इंपॉर्टेंट था ये, मार्क किया आपने। 6 नंबर का सवाल, आसानी से स्कोर हो सकता था। नेक्स्ट बी पार्ट, एक्सप्लेन एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एसओडी, बार बार डिस्कस हुआ था ये हमारा, एसओडी कौन से चैप्टर में था, एसओडी कंट्रोल का चैप्टर, कंट्रोल का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, तीन चैप्टर्स है। लिखो, पेज नंबर 148 पे है सवाल, नोट्स में हमारे,
पेज नंबर 148 पे सवाल है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कंट्रोल, चार तरीके के एग्जांपल बताने हैं। चार कौन से एग्जांपल है? ट्रांजेक्शन ऑथराइजेशन, स्प्लिट कस्टडी ऑफ हाई वैल्यू एसेट, वर्क फ्लो एंड पीरियोडिक रिव्यूज। ठीक है, करवाया था अपने, अभी बाकी है अपना, थर्ड का एक हिस्सा बाकी है। चलो तो अपन करेंगे, ठीक है ना, तो ये करना बाकी है अपने को, ये करेंगे अपन, ये इसमें से आ गया ये। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड ए, एन इंटरनेट कनेक्शन एक्सपोजेज एन ऑर्गेनाइजेशन टू हार्मफुल एलिमेंट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब बात कर रहा है इंट्रूजन की, हैकिंग की, वायरसेस की। एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर विच नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल विल यू इंप्लीमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सच हार्मफुल एलिमेंट। देखो कई बार मैंने क्या कहा था, सवाल में भूमिका बांधेगा, पर आपको सवाल में से वो निकालना है क्या पूछा गया है। पूछा क्या गया आपसे? नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल पूछे गए। क्या पूछा गया? नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। अभी कंट्रोल वाले चैप्टर है, पढ़ना है आपको अभी, जैसा आप बता रहे हैं तो थर्ड का एक हिस्सा पढ़ना ही है ना अपने को, तो अभी तो उसमें से पूछा गया है। लिखो इसको, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 111, चार नंबर का सवाल मैं पढ़ाऊंगा आपको, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में पढ़ेंगे अपन, पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, इनफोर्स पाथ, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कनेक्शन रूटिंग, सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, फायरवॉल एंड एक्सेट्रा। तो ये सब टॉपिक आना है आपका। ठीक है, ये तो बात हुई कौन से हमारे 3A के सवाल की। आगे बढ़ते हैं अपन 3B एंड ऑनवर्ड चलते हैं बाकी के सवालों को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3B, अब मुझे बताओ ये कौन से चैप्टर से है। एवरी बिजनेस डिसीजन इज अकम्पनीड विद सेट ऑफ थ्रेट्स एंड सो इज विद BYOD। BYOD किसमें? चैप्टर नंबर 4 में। ब्रीफली एक्सप्लेन द एरिया इन विच रिस्क आर एसोसिएटेड विद BYOD प्रोग्राम कैन बी क्लासिफाइड। मैं अगर न भी पढ़ूँ तो आपको पता है नेटवर्क रिस्क थी हमारे पास में, ऑपरेशनल रिस्क थी, ध्यान आ रहा है। पेज नंबर लिखो 188, चैप्टर नंबर 4, 4 मार्क्स का, चार नंबर का सवाल है 188, ध्यान आ रहा है सबको। चार प्रकार की रिस्क बताई थी मैंने, कौन सी? नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क और इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। ध्यान आ रही सबको? बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ था ये अपने से, चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वन, सेंट्रल डेटाबेस। अब मुझे बताना है, ये भूमिका बांध रहा है, मुझे बताना है इस पे आपको एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। सेंट्रल डेटाबेस इज द मेन फीचर ऑफ ERP सिस्टम। ERP सिस्टम किसमें था? चैप्टर नंबर 2 में था, है ना। एज द कंप्लीट डेटा इज स्टोर्ड ऑन वन प्लेस, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ डेटा एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डेटा इज अ बिग चैलेंज। एज एन IT एक्सपर्ट डिस्कस द रिस्क एसोसिएटेड विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ERP। तो ये अंडरलाइन कर रखा है ना जो बच्चे ने, यही आपका सवाल है। क्या पूछना है? पूछ रहा हमसे रिस्क एसोसिएटेड विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ERP। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। सवाल कितने नंबर का है? 6। पेज नंबर 55 पे आपको मिलेगा, 55। हाँ, क्यों नहीं लिखते? लिखा हुआ ही नहीं इसने, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बस ये एक्सचेंज मत करना किसी के साथ में, है ना, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है अपने को। पेज 55 पे आपको ध्यान आ रहा है, मैंने बताया था फिजिकल सेफ्टी ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी ऑफ डेटा बताया था ना ये, और उसके बाद रिस्क एसोसिएटेड विद डेटा एक्सेस, डेटा सेफ्टी काफी डिटेल में भी डिस्कस हुआ था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बी पार्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ई-कॉमर्स ब्रीफली। ये तो मेरे ख्याल आज भी याद होगा तुम्हारे को, 5 की पॉइंट बताए थे ई-कॉमर्स के डेफिनेशन में, क्लास फर्स्ट हमारी May 2020 के लिए। कौन बताएगा? पहला, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। नंबर 2, एक एक करके बोलो ताकि नए भी तो सुने, अपन सब बोलेंगे तो ये लगेगा कि सर का प्रायोजित प्रोग्राम चल रहा है, एक एक बोले। हाँ, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट बोला गौरी ने, हाँ सॉरी, हाँ साक्ष, ठीक है, इट इज थ्रू ऑटोमेशन। हाँ थर्ड, चलो कोई और बोल दो, फटाफट बोलो, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली तो हो गया पहला, सेकेंड हो गया ऑटोमेशन, थर्ड बोलो कोई भी, वो तो हो गया ना, कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर सेलर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तीन, चौथा कौन सा था? सिक्योर। पांचवा कौन सा था? वेलो, अभी बात कर लो, अभी भी याद है मेरे ख्याल से, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने को हैं आपको, अगर 2 महीने बाद भी आज आपको की पॉइंट याद है, बिना किसी तैयारी के आप आए हो यहाँ पे, किताब आपके सामने नहीं है, मेरे से गारंटी ले लो, मेरे 31 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है ये क्लास बहुत अच्छा स्कोर करेगी और ESSM का टॉपर ऑल इंडिया लेवल पर अपने इस क्लास से देंगे। ठीक है, इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, अगर आज भी आपको याद है तो बड़ी बात है, ये याद होना चाहिए अपने को। अगर चीज़ें याद है ना तो फिर आप स्कोर कर लेंगे, क्योंकि फिर तो क्या करना है, रिवाइज करके और उसको बेटर करना होता है। बताओ
दो महीने बाद भी आपको पता थोड़ी था, जैसे कई लोग कह रहे हम तो किताब भी नहीं ला, आपने कहा था पेपर डिस्कस करेंगे, पर ये तो नहीं बोलो मैं ई कॉमर्स के डेफिनेशन ही पूछ लूंगा कि आप याद करके आए हो, है ना। इन बच्चों को बोल दो जो नए आए कि सर ने कोई कान में हमको बोला नहीं है, नहीं तो ये सोचेंगे सर का स्पॉन्सर प्रोग्राम चल रहा है कि आज आए हैं तो इनको बताने के लिए सर कर रहे हैं सब। मैं हमेशा पेपर डिस्कस करता हूँ, ये बोला था मैंने, किन बोला था पेपर खत्म होते मैं डिस्कस करूंगा, ये तो बाय चांस आज आप जुड़ रहे हैं और पेपर डिस्कस हो रहा है हमारे इस क्लास में। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगला बताओ मुझे, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट यूर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन। ये भी इसी चैप्टर से है, पेज नंबर 165 पे पढ़ेंगे अपन इसको, 165। हाँ मुझे लग रहा है मुझे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी की क्लासेस भी और लेनी पड़ेगी, एएसएसएम के अलावा थोड़ा सा वैल्यू एडेड सर्विसेज में हिंदी की व्याकरण की क्लासेस। वो 10, 11, 12 तारीख का प्रोग्राम जो हमने गांधी मैदान पे किया ना, उस समय पहली बार समाज के कई लोगों ने मुझे मंच पे इस तरीके से बोलते देखा, तो बोले यार आपकी तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा भी मैं तो 31 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं तो काम यही है कि नहीं हमें नहीं पता था हमारे को। उन्होंने कहा आगे की किसी भी प्रोग्राम की एंकरिंग होगी वो आप ही करना, क्योंकि आपके शब्दों का चयन उन्हें बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से अपन ने उनको बोला, और हजारों की संख्या में लोग बैठे थे, मुझे तो लगता है मेरी क्लास ही बैठी है, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है मंच छोटा हो या बड़ा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सो एक टीचर का ये इनबॉर्न क्वालिटी होता है कि वो जहाँ भी उसको माइक हाथ लग जाता है तो फिर प्रॉब्लम है लोगों को, है ना, फिर वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि मंच मिलना चाहिए और माइक मिलना चाहिए। जैसे कवियों को होता है या नेताओं को होता है, मंच मिल जाए और सामने जनता अपार खड़ी हो तो फिर रुकता है क्या कोई आदमी, वैसे ही टीचर के साथ भी है, क्लास भरी हुई हो तो फिर रुकता ही नहीं टीचर भी, वो तो जितना है उसके पास उड़ेल के दिया करता है। स्टूडेंट को है कितना आप लेना चाहते हो। यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि एक्सेल एकेडमी पे आप बंच ऑफ एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं। मैंने शायद पहले भी कहा था आपको इस क्लास में डे वन में जब आप आए थे, हमारा कलेक्टिव एक्सपीरियंस 108 साल का है सारे टीचरों को मिला लो तो मैं, ठीक है ना, 31 साल मुझे हो गए, 25-26 साल बियानी जी को हो रहे हैं, 20-22 साल हमारे मितेश जी को हो रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से 18-20 साल हमारे जयेश सर को हो रहे हैं, फिर हमारे हरीश सर को हो रहे हैं, हमारे गौरव सर को हो रहे हैं, तो बहुत सारा मिलाया जाए तो मोर देन 108 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोलता है ओवरऑल हमारे इन क्लासेस में। नेचुरली उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस बाजार में मिलता है क्या कि किलो भर खरीद ला मैं आ जाओ, करने से होता है। अब आप फर्स्ट ग्रुप दे आए तो सेकंड ग्रुप का ज़्यादा बेटर दोगे ना, मालूम पड़ा क्या गलतियाँ कर ली, ये तो एक एडवांटेज हुआ ना आपको ये पेपर एक बार दिया है। अच्छा ये मुझे बताओ जो नए लोग इस क्लास में आज जुड़े हो, फाउंडेशन का एग्जाम आपने दिया था क्या, बिल्कुल उस जैसा ही है क्या सीए इंटर, कितना अलग है, कितना अलग लगा उससे, ईजी लगा उससे, इजी लगा, आपने पहला एक्सपीरियंस कर लिया इसलिए आपको ये इजी लगा, और आप पहली बार जब दे रहे होते मुश्किल होता ना आपके लिए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं पेपर का पैटर्न क्या आता है, करना क्या होता है, टाइम को कैसे मैनेज करना पड़ता है, यही तो खास बात है। तो अगर टीचर का एक्सपीरियंस आपके साथ हो और आप मेहनत साथ साथ करें तो मान के चले नतीजे आपके पक्ष में जरूर रहेंगे। ऐसा होता नहीं है कि दोनों मेहनत करें और नतीजा नहीं आए, अपन क्लासों में इसीलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि अपन दोनों मेहनत करते हैं, टीचर भी मेहनत कर रहा है एक्सेल पे आपके साथ और आप भी मेहनत कर रहे हैं उसको। अगला सवाल है अपन 5A, बैंक फेस द चैलेंजेस ऑफ एड्रेसिंग द थ्रेट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो पढ़ते हुए कहा था मैंने, इंपॉर्टेंट आएगा आपसे, ऑन मल्टीपल फ्रंट्स एज बैंक कैन बी यूज एज अ प्राइमरी मींस फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस ज्योग्राफीज, इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट डिस्कस द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस एंड डिफरेंट स्टेज। ये तो आज भी याद होगा तुम्हारे को, तीन स्टेजेस होती मनी लॉन्ड्रिंग की, पहला सबसे प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, तीसरा इंटीग्रेशन। याद आ रहा, एक मेरे वीडियो भी दिखाया था आपको, याद आ रहा है सबको, याद आ रहा है सबको, लिखो पेज नंबर किस पे मिलेगा आपको, पेज नंबर मिलेगा 237 से, पेज चैप्टर नंबर 5 में 6 नंबर का सवाल, बकायदे एक वीडियो से आपको ये समझाया था हमने मनी लॉन्ड्रिंग, और आया भी, और एक बच्चे ने इस पे कमेंट भी किया कि सर आपने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग आएगा और मनी लॉन्ड्रिंग आया, ठीक है ना, बताया था ये डायग्राम मनी लॉन्ड्रिंग वाला वीडियो के थ्रू। अब आ जाओ 5B और बाकी बचे हुए हिस्सों को डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। चैप्टर नंबर 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस किसको कहते हैं, ध्यान आ रहा है क्या सबको, तो लिखो पेज नंबर 85 पे चैप्टर 2 में, ये 2 नंबर का सवाल है हमारा, रेगुलेटरी कंप्लायंस डेफिनेशन लिखनी थी अपने को, ध्यान आ रहा है कुछ, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की कोई डेफिनेशन बताई थी मैंने, नियमों को मानना रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ही कहलाता है, और यही अपन ने बात की थी आपको, व्हाट इज रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, पेज नंबर 85 ये डेफिनेशन है, पढ़ के बताई थी मैंने क्या थी डेफिनेशन, कंप्लायंसेस मींस कंफर्मिंग टू सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, फिर वो रूल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आईटी के हो
या इनकम टैक्स के हो या जीएसटी के हो, नियमों को मानना ही या नियमों को मनवाना ही रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कहलाती है कि नहीं कहलाती है, ये बात की थी अपन ने। नेक्स्ट बी पार्ट, राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्री टीयर आर्किटेक्चर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थ्री टीयर आर्किटेक्चर चैप्टर नंबर फोर। कौन से तीन टीयर होते हैं अभी बताओ जरा, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस। बताया था नहीं बताया था, आज भी याद है आपको, पेज नंबर 157 पे चैप्टर फोर से दो नंबर का सवाल, पेज नंबर 157, थ्री टीयर आर्किटेक्चर। इसके और में एक सवाल है, देखो ये भी करवाया था और इंपॉर्टेंट बताया था आपको, एक्सप्लेन ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, तो बार बार डिस्कस हुआ था क्लास में, RBAC। बताया था नहीं बताया था अपन ने, मैं एग्जाम्पल दिया था जोधपुर ब्रांच के चेयरमैन वाला, कि वो अपना पासवर्ड हटाते नहीं थे, दूसरा चेयरमैन आता था वो भी उसी पासवर्ड को यूज़ करता था, तो पुराने सबको पता चल जाता था क्या मेल आ रही है इंस्टीट्यूट से। बताया था, तो मैंने क्या बताया था आपको, चेयरमैन बनते ही आप पुराने पासवर्ड को छोड़ के नया बना ले, क्योंकि पुराना आप उस रोल में रहा नहीं चेयरमैन, तो उसको क्यों पता होना चाहिए आपका पासवर्ड। बताया था नहीं बताया था मैंने, एग्जाम्पल के साथ बताया था, तो एग्जाम्पल के साथ अपन बात कर सकते हैं। लिखो इसको, कहाँ मिलेगा आपको ये, चैप्टर नंबर दो में ही है, दो नंबर का सवाल है, पेज 56 पे। ठीक है, कोई भी सवाल बाहर से आया क्या, सारा कुछ जो पढ़ा है उसी से आ गया। अच्छा, अब हमारे वीडियो को चेक करके बताना इसमें से कितने इंपॉर्टेंट बताए थे, आप पाओगे सारे ही ऑलमोस्ट बताए हुए थे और उन्हीं में से हमारा पेपर बन गया। क्लियर, कौन सा पोर्शन है ये, EIS का। स्ट्रेट अवे चले SM पोर्शन को क्विकली करने के लिए। अब इस बच्चे ने क्या कर रखा है, MCQ के भी आंसर लिख रखे हैं साथ साथ में, ठीक है, हालांकि इस पर लिख रखे हैं, मैं इसको कहूंगा बेस्ट ऑफ मेमोरी से 20 को खत्म हो जाए, अभी बच्चों को परेशान नहीं करना मुझे, 20 के बाद बेस्ट ऑफ मेमोरी से MCQ भी ले लूंगा मैं, ठीक है। तो फिर जो आपको MCQ बुक देंगे ना हम लोग, उसमें इस अटेम्प्ट के MCQ भी होंगे, जैसे हमने पिछले वाले में कर रखे थे, तो आपको जो बुक मिलेगी आपको देनी बाकी है ना। अभी सबको मैंने क्या कहा था, एग्जाम का पेपर हो जाए बेस्ट ऑफ मेमोरी से मैं बच्चों से ले लूँ, फिर मैं बढ़ा के सेट दूंगा, तो आपके पास एडवांटेज होगी कि May 19 का पेपर का भी क्वेश्चन उसमें है, November 19 के पेपर के भी क्वेश्चन उसमें है, तो May 20 का जो आपके पास MCQ बुक हाथ में आएगा वो आपको बेटर मिलने जा रहा है अब से भी। चलो SM के डिस्कस करते हैं, SM तो भी फ्रेश है, आपके पास भी अवेलेबल है, कर ले फटाफट से। चलो अब मैं नहीं बताता, मुझे बताओ चैप्टर कौन सा है ये, इसमें तो तुमने मुझे नहीं बताया, अब मुझे बताओ कौन सा सवाल है ये। एन XYZ कंपनी इज फेसिंग कंटिन्यूस लॉसेस, ऊपर भूमिका बांध रहा है, सवाल नीचे आता है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा सवाल क्या है। देर इज अ डिक्लाइन इन सेल्स एंड प्रोडक्ट मार्केट शेयर, द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी बिकेम अनकॉम्पिटेटिव एंड देर इज अ परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। मेरे ख्याल इतना पढ़ने से तुम्हें कुछ ध्यान आ रहा है कि कौन सी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है? नहीं, गलत 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 गलत, एग्जैक्टली कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी की बात हो रही है ये, ठीक है। चलो अभी पूरा नहीं पढ़ा इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ मैं गौरी को, लेकिन आगे गौरी ही मुझे बताएगी, कोई और नहीं बोलेगा सवाल कौन सा एग्जैक्टली, मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। द फिजिकल फैसिलिटीज आर डिटीरियरेटिंग एंड एम्प्लॉयज हैव अ लो मोरल, ये सब की कैरेक्टरिस्टिक में थी किसी एक स्ट्रेटेजी की, ये सब मैंने लिखवाई और समझाई थी आपको। एट द बोर्ड मीटिंग द बोर्ड मेंबर डिसाइडेड दैट दे शुड कंटिन्यू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अडॉप्ट सच मेजर्स दैट कंपनी फंक्शन प्रॉपरली। The board has decided to hire young executive Shamli for improving the function of the organization. What corporate strategy? ठीक है ना, अब ये तो क्या है कि पूरा पढ़ लेते तो पता चल जाता है, इसको भी corporate strategy की बात हो रही है, तो उतना benefit of doubt देता हूँ, पर आगे मुझे बताओ भाई, for improving the function of the organization, what corporate strategy should Shamli adopt for the company and what steps to be taken to implement the corporate strategy adopted by the Shamli? कौन सी corporate strategy आएगी बताओ मुझे, चार पढ़ी थी आपने, कौन कौन सी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन, बताओ कौन सी है ये, रिट्रेंचमेंट है, और रिट्रेंचमेंट में भी कौन सी है ये, तीन स्टेप थे रिट्रेंचमेंट में भी, पहला टर्न अराउंड, दूसरा भूल गए, इतना भूल गए, लास्ट वाला लिक्विडेशन है, चलो इतना पता है, बीच वाला बताओ, चलो ये MCQ है आपके लिए, डाइवेस्टमेंट उसने देख के बोला, चलो इतना भी तो ठीक है। तो तीन स्टेप्स थे हमारे, ध्यान आ रहा है, रिट्रेंचमेंट के तीन स्टेप, स्टेप नंबर ए टर्न अराउंड कर लेना, मतलब अपनी परिस्थितियों को लौटा लाना, दूसरा नहीं हो रहा है इसको डाइवेस्ट करें अपन, तीसरा सब खराब हो चुका है रियल एस्टेट भी बेचो इसका, लिक्विडेट करें, है ना, यही था अपना। आज के आपने अखबार पढ़ी हो तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कह रही है दो कंपनियां इस साल अगले साल तक मैं बेच दूंगी, डाइवेस्टमेंट करूंगी, एयर इंडिया और BPCL, आज अखबार की खबर है,
फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी कह रही है, राजस्थान पत्रिका भी कह रही है, तो वो कौन सी होगी? डाइवेस्टमेंट होगी, लेकिन ये कौन सी है? टर्न अराउंड है कि डाइवेस्टमेंट है कि लिक्विडेशन है? तो आपको पता है ना, ठीक है? तो इसका मतलब अब मुझे बताओ ये कौन से यूनिट से है? फोर से। अब मुझे बताओ कौन से पेज नंबर से? अब इतना मैं देखना चाहता हूँ आपसे, मुझे ढूंढ के बताओ पेज नंबर 50। वेरी गुड, चलो लिखो सब जने। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 4, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ था हमारे, वीडियो में देख लेना आप। 5 नंबर का सवाल। नए बच्चे भी समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, भले ही आपको टॉपिक नहीं पता है लेकिन लैंग्वेज तो समझ में आ रही है ना, किस चीज की बात कर रहा है ये। आगे चले भाई, नेक्स्ट 7A। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट आर यूजफुल फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक्सप्लेन द रीजन। कौन सा चैप्टर है? अभी पढ़ा। तू जरूर मेरा नाम डुबोएगी। चैप्टर 1 अभी पढ़ के आया ना, 3 स्ट्रेटेजी बताई थी, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तेरी क्लास से अलग से और लेनी पड़ेगी मेरे को, ये अभी पढ़ के आया हूं मैं, तो नाम डुबाएगी मेरा, पक्की बात है। मैं तो भरोसा कर रहा था इस क्लास से, अब ये भी कहूंगा सबसे लोएस्ट बीसी क्लास से आएगा मेरे। हैं? अभी चैप्टर 1 नहीं पढ़ा क्या? लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, 3 बताए थे, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, और तीसरा कौन सा था? गवर्नमेंट एजेंसी, बताया था नहीं बताया था? उसमें एजुकेशन नहीं था क्या? बताओ पेज नंबर बोलो जरा। 6 नंबर पेज। अब गौरी तेरे को कॉन्फिडेंस हो तो ही बोलना, तू इमेज खराब कर रही है मेरी नए वाले स्टूडेंट के सामने। अब कवर अप कर रही है, चलो कवर अप कर रही है, अच्छी बात है, शादी के बाद तेरे को बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट बी पार्ट, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव एनालिसिस बिगिंस। पढ़ रहे हैं क्या इसको अभी अपन? हाँ, डिस्कशन है ना इसका, ये तो किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, चैप्टर 3 में किया ना, ये नहीं पढ़ा क्या अपन ने? ये इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव एनालिसिस बिगिन विद एन ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रीज डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर। 7 में से पहला फैक्टर तो यही था ना हमारा कि नहीं था? एक्सप्लेन एंड ऑल्सो नरेट द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन प्रोफाइलिंग द इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक फीचर्स। तो बताओ कौन से चैप्टर से है? चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का सवाल है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मिल गया सबको, तो कर सकते हो इसको, अभी ताजा ताजा पढ़ा है, 7 फीचर बताया हमने आपको। 8A, अगला सवाल, ये अभी पढ़ना बाकी है, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। चैप्टर 3 से सवाल है ये, इसको पढ़ना बाकी है अभी आपको। व्हाट कंसिडरेशन आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड मिशन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, पेज नंबर 36 पे। 5 नंबर का सवाल है, पेज 36 पे देखो, मिशन आ रहा है, एंड हाउ टू राइट ए गुड मिशन स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप गौरी की बुक में देखो, दिखाओ इनको, दिखाओ आप पास में देखो अनुराग के, उसमें दिखाओ पेज नंबर 36 पे इसको। लिखते चलो, तुम लोग जिनके पास नोट्स हैं लिखते चलो, आज आप ये जाके नोट कर लेना तरुण जी से बुक लेके, पेज नंबर 36 पे लिखो इसके ऊपर, नवंबर 19 में सवाल आ गया 5 नंबर। चले आगे, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक अलाइंस, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलाइंस। चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पे था, पेज नंबर 49 पे। वेरी गुड, तुम्हारे को तो और भी याद होना चाहिए, अभी तक याद है कि नहीं है? चैप्टर नंबर 4, नाम क्या है इसका? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी 4 प्रकार की, कौन सी? स्टेबिलिटी, ग्रोथ और एक्सपेंशन। चार्ट सामने रखो, ये नए वाले बच्चे देखे इनको पता नहीं चलेगा ऐसा, अपन तो बोल रहे हैं इनको क्या पता चलेगा। चैप्टर सा रखो, तुम बिना देखे बोलोगे, इनको देखने दो। तो क्या है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी ऑल्टरनेटिव? 4 प्रकार के, पहला कौन सा है? स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ग्रोथ और एक्सपेंशन के 3 रूट हैं, कौन से 3 रूट हैं? डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस। डाइवर्सिफिकेशन के 2 रूट है, कौन से 2 रूट है? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के 3 रूट है, कौन से हैं? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर डाइवर्सिफिकेशन के 4 रूट है, कौन से? वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कंसेंट्रिक एंड कॉन्क्लोवेड। वर्टिकल के 2 रूट है, ठीक है? नए वालों कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना? इनको याद है तो आपको भी याद होगा, अपन इस क्लास में हर चैप्टर को ओवरव्यू याद करते हैं, इससे तुरंत पता चल जाता है सवाल कहाँ से। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट बताया था, पेज नंबर बोलो भाई 49, मिल गया सबको। चलो आगे बढ़े, 9A, डिस्कस इन व्हाट कंडीशन राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर्स टेंड टू बी कट थ्रोट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज गोज डाउन। कब होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है और राइवलरी भी कट थ्रोट हुआ करती है?
अभी किसकी बात कर रहा है, माइकल पॉटर के मॉडल की बात कर रहा है, पांच फोर्सेस में से, तो कौन सा माइकल पॉटर कौन से चैप्टर में था? चैप्टर पांच। और भी याद है क्या सबको? आओ याद करते हैं तुरंत से। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी खोल के देखो, नए बच्चों के लिए खोल रखो आप। पांच का ओवरव्यू, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। सबसे पहले ऊपर कौन? माइकल पॉटर फाइव फोर्स मॉडल। उसके नीचे कौन? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। उसके नीचे कौन? तीन स्ट्रेटजियां, कौन सी? कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन एंड फोकस। और एक अलग स्ट्रेटजी को माइकल पॉटर ने नहीं दी, अभी भी याद है तुम्हारे को? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, याद है ना सबको? सबको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहां मिलेगा अभी हमारे को? पेज नंबर बोलो, 9A, पेज नंबर 58 पे देखो। राइवलरी कब होती है? जब इंडस्ट्री का कोई एक लीडर नहीं होता है। डिस्कस किया था मैंने आपको, पेज नंबर आओ 58 पे देखो, पहला पॉइंट, व्हेन इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर। मिल रहा है क्या सबको? पेज 58 पे मिल गया, लास्ट में होगा, लास्ट पैरा शायद ये, ये व्हेन इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर एंड सो ऑन। ऐसे हैं बहुत सारे पॉइंट राइवलरी के बारे में, तो लिख लो सब लोग। पेज नंबर 58, पांच नंबर का सवाल, पांचवें चैप्टर से। चलो अगला डिस्कस करें। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल एंड ट्रांजेक्शन लीडरशिप स्टाइल। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था मैंने, और एग्जाम्पल भी दिया था। पेज नंबर कहाँ है बताओ जरा? 7 में है ये, 7 में, बिल्कुल ठीक है, 7 में है, 6 में नहीं है। 6 तो फंक्शनल स्ट्रेटजीज का था, ये 7 में। पेज नंबर किस पे है? 89 पे। अच्छा 9 भी रह गया क्या? 9 भी पे आते हैं, पहले 10 वाला कर लो, मैंने पढ़ दिया तो पहले 10 वाला कर लो। 10 वाला चैप्टर नंबर 7 से है, पांच नंबर का सवाल है, पेज नंबर 89 पे। दोनों के बीच अंतर बताया था मैंने, बताया था ना, एक ट्रांसफॉर्मेशनल होता है जो क्या करता है, पीएलसी के फर्स्ट और फोर्थ पे काम करता है, ट्रांजेक्शनल सेकंड और थर्ड पे काम करता है। लिखा हुआ है आपके पास में। अच्छा 9 भी रह गया भाई, 9 भी देखो। डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस फॉर इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ ए बिजनेस। ये तो पढ़ाते हुए कहा था, ये तो आना ही आना है इस बार, कहा था नहीं कहा था मैंने? पांच अप्रोचेस, तीन मेथड बताया था, नहीं बताया था मैंने आपको? तीन मेथड, पांच अप्रोचेस बताया था वर्थ ऑफ ए बिजनेस। कौन सी स्ट्रेटजी? फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बताया था कि नहीं बताया था मैंने? पहला नेटवर्थ निकालते थे, याद आ रहा है क्या कुछ? दूसरा कौन सा था? पेज नंबर देख के बोलो, 6, चैप्टर नंबर 6 में, पेज नंबर 73 पे, हाउ वर्थ ऑफ ए बिजनेस कैन बी वैल्यूएटेड। मिल गया, तीन मेथड पांच अप्रोचेस कही थी कि नहीं कही थी? और मैंने कहा था ये तो आ ही रहा है क्योंकि पूछा ही नहीं गया काफी टाइम से। ये मिल गया सबको, बताओ कौन कौन से हैं इसमें अप्रोचेस। पहला कौन सा था? नेटवर्थ। दूसरा कौन सा है? फ्यूचर बेनिफिट। तीसरा कौन सा था? कंपेयर्ड। चौथा कौन सा था? आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड। पांचवा कौन सा था? पीई, है ना? इस तरीके से पांच एक मेथड थे अपने, मैंने कहा था ये आएगा जरूर, आया ये सवाल। चलो नेक्स्ट ले लें, अब लास्ट पोर्शन पे आ गए अपन इस पेपर के। पहला, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ बीपीआर। बीपीआर किस में था? लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 182, लास्ट, मेरे ख्याल लास्ट या लास्ट बट वन पेपर पे है ये, SMK लास्ट या लास्ट बट वन पेपर पे है। मिल गया, पेज नंबर कितना है? 102 पे देखो भाई, चैप्टर 8। मिल गया सबको बीपीआर। आगे और में एक सवाल और है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी एंड हाउ टू अचीव इट। कॉस्ट लीडरशिप किस में थी? चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 60, पांच नंबर का सवाल, कॉस्ट लीडरशिप पे। ये भैया बाहर से आया क्या कुछ, कि जो पढ़ा उसी में से आया? अच्छा ये सब इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हुए थे, वीडियो से देख लेना सारे। तो इससे क्या कॉन्फिडेंस आ रहा आप सब लोगों को जो इस क्लास में बैठे हैं और जो इस चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं? केवल क्लासेस में जो हम पढ़ाते हैं उतना कर लो, आप चाहो जितना स्कोर कर सकते हो ये SSM में। वो मैंने जो वीडियो डाला था ना, श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी फॉर स्कोरिंग 60+, उसको 5000 से ज़्यादा व्यू मिल चुके थे इन एग्जाम के दिनों में, है ना? और अब तो बच्चे उसको खूब देख रहे हैं कि उनको लग गया कि नहीं लगता है इस पेपर पे। और बच्चे ही रेफर कर रहे हैं, बच्चे ही एक दूसरे बच्चों को रेफर कर रहे हैं कि नहीं आपको इससे पढ़ना चाहिए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो आपसे भी अपेक्षा है क्लासेस में जो पढ़ा है उसको अटेंटिव होकर पढ़ेंगे, रेगुलर क्लासेस में आएंगे और साथ साथ में रिवाइज करेंगे। जब हमारे टेस्ट चलेंगे तो टेस्ट सीरीज में भी आपको कंपलसरी आना है, कोई गोत नहीं मारेगा, ठीक है ना? ये सब किया हुआ बेकार हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। फॉर्मुलेशन आपकी अच्छी हो चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन वो 3.25 घंटों में तब अच्छा होगा जब हमारे टेस्ट भी आप दे दोगे, तभी जाके इसका नतीजा आएगा, वरना नहीं आता, ठीक है? मैं चाहूँगा पिछला बैच हमारा जो भी पढ़ के निकला है 20 को ख़त्म हो जाए उनका, तो
आपके तब तक बैच चल रहा होगा, तो एक बार उन सबको बुला के उनका एक्सपीरियंस भी आपके सामने रख लेंगे, ताकि आपको डूज एंड डू नॉट्स ऑफ ASSM पेपर पता चलें, ताकि आप जब जाओ तो एटलीस्ट वो गलतियां मत करो जो वो कहने के बावजूद करे आए। कहता तो मैं हर साल ही हूँ ना, हर अटेम्प्ट में कहता हूँ मैं, आपका जो अटेम्प्ट होगा वो 62 अटेम्प्ट होगा मेरी लाइफ का, मतलब 31 साल 62वां अटेम्प्ट होगा मई 2020 का पेपर। तो सबको मैं हर बार कहता हूँ, शुरू से मैं कह रहा हूँ, है ना, मितेश सर भी मेरी क्लास में पढ़ के गए, पूछना उनसे, उनको भी कहता था, आपके गौरव सर को भी कहता था, हरीश सर को भी कहता था, मैं सबको ही कहता था, है ना। बियानी सर मेरे इनडायरेक्ट स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि इनके साथ वाला मेरे साथ पढ़ता था तो ये हमारे नोट से पढ़ते थे, तो ऑलमोस्ट एक्सेल के तो सारे ही जो पढ़े हुए हमारे से, इनके टाइम में भी मैं कहता था और आज भी मैं कहता हूँ, आगे भी कहता रहूँगा जब तक पढ़ाने की इच्छा है मेरी। बस क्लासेस में अटेंटिव होकर रह लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ते। ठीक है, डिस्कशन कंप्लीट, ठीक है।